वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का पहला भाग। इसके पहले हम जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो है चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, तो अगर आप जो है वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं। तो आज हम जो है बेसिक तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। हाइट एंड डिस्टेंस में जो है दो कोनों को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक होता है यूनियन कोन और दूसरा अवनमन कोन। तो पहले हम बात करेंगे यूनियन कोन होता क्या है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आइए इसको जो है एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है एक गुब्बारा है, और ये एक क्षैतिज रेखा है। ये क्या है? एक क्षैतिज रेखा है, और यहाँ से जो हम गुब्बारे को देख रहे हैं तो ये कैसा फिगर बनेगा? ऐसा हम यहाँ से जो है देख रहे हैं, और ये जो है क्या हो गया हमारा भूतल से जो है उसकी ऊंचाई हो गया। तो जो कोण यहाँ पे जो है कोण बन रहा है थीटा वन जो है कोण बन रहा है, यही क्या है? तो यही जो कोण है यूनियन कोण है। और ये किसका यूनियन कोण कहलाएगा? तो ये गुब्बारे का जो है क्या है, गुब्बारे का यूनियन कोण है। अब इसको जो है एक कंप्लीट फिगर के जरिए समझा देते हैं आपको। एक फिगर है, इसको बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो है कोई व्यक्ति जो है इस वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन यानी क्या है, क्षैतिज रेखा है, और इसी के बीच जो हमारा कोण बना है वो क्या है, यूनियन कोण कहलाता है। यानी पलक को जो है ऊपर करके देखना, आँखों की पलक को जो है हम ऊपर करके देखते हैं तो उससे जो कोण बनता है वही होता है हमारा यूनियन कोण। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अवनमन कोण। तो आइए जो है एक फिगर से जो है अवनमन कोण के बारे में जो है समझते हैं। ये हमारा फिगर है, बस उसी का जो है उल्टा होता है। जब हम पलक को ऊपर करके देखते हैं तो यूनियन कोण हो जाता है, और जब हम किसी वस्तु, ये हमारा जो है एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ आर जो है ऑब्जेक्ट है, और इसको जो है हम नीचे की ओर देख रहे हैं यानी पलक नीचे करके हम देख रहे हैं, और ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, यानी क्षैतिज रेखा के नीचे जब हम पलक नीचे करके देखते हैं तो उसके बीच जो कोण बनता है यही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। तो आपको जो है यूनियन और अवनमन कोण के बारे में जो है जानकारी हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये हमारा जो है एक हमने फिगर बनाया समकोण त्रिभुज का। ये क्या हो गया हमारा? समकोण त्रिभुज हो गया, और यहाँ पे जो है इसका मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये तो 90 डिग्री है ही, ये तो क्या है 90 डिग्री, और टोटल जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180, तो बाकी ये रह गया, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 180। तो अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा होती है ए, और ये जो 60 डिग्री है उसके सामने वाली जो भुजा होता है ए रूट थ्री, और बात करें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगा 2a।
तो ये जो है आपको माइंड में रखना है, क्या रखना है कि 30 डिग्री सामने की भुजा ए होती है तो उसके 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ए रूट थ्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है 2a। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 45 डिग्री के बारे में, यानी ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। पर इसमें क्या है कि इसमें जो है ये भुजा हम ये हमारा कोण दिया हुआ है कितना 45 डिग्री, तो जब ये 45 है और ये तो 90 है ही, तो ये कितना 90 90, ये भी तो 45 होगा, तभी तो टोटल 180 होगा। तब क्या होगा कि अगर ये कोण 45 डिग्री है और तो इसके सामने की भुजा ए होती है, और जब ये 45 है और इधर भी 45 है तो इसका भी सामने की भुजा ए होगी, और 90 जो होगी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी रूट 2a जो है हो जाएगा। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, आगे जो भी क्वेश्चन हम जो है सॉल्यूशन करेंगे सारे जो है इसी मेथड पे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे 60 डिग्री के बारे में। अब ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज, दोबारा हमने फिगर बनाया, ये हो गया ये हो गया, और अगर ये जो है कोण दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, तो अगर ये 60 है और ये तो 90 है ही क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो 90 और 60 100 150 और ये 30 हो जाएगा, तब जो है ये क्या होगा। तो आपको हमने बताया था कि 30 डिग्री के सामने ए होता है, तो ये 30 डिग्री है, इसके सामने की भुजा ए हो जाएगी, और ये 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा ए रूट थ्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा 2a। तो ये तीनों को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की जो है रूट तीन गुनी है। तो इसका पहले फिगर बनाते हैं, मतलब एक सूर्य है, ये सूर्य है और ये सूर्य है और ये अपना फिर धरातल से दूरी है, ये फिगर हो गया, और ये जो कोण बना रहा है यहाँ पे यही जो है थीटा कोण बना रहा है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है और हम पलक को ऊपर करके देख रहे हैं तो हमारा उन्नयन कोण बन रहा है, और ये उन्नयन कोण किसका उन्नयन कोण है तो ये ऑब्जेक्ट का यानी सूर्य का उन्नयन कोण है। अब क्या कह रहा है कि जबकि एक छड़ी की छाया जो है ये छड़ी है, ये छड़ी है, ये जो है ये छड़ी है, इसकी छाया जो जो है एक छड़ी की छाया जो है उसकी लंबाई की रूट तीन गुनी है, यानी अगर छड़ी की लंबाई एक है तो उसका तीन गुना यानी रूट तीन गुने एक यानी रूट तीन हो जाएगा, और ये हो गया उसकी छाया की लंबाई। अब ज्ञात क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो थीटा के सापेक्ष देखिए ये जो है क्या हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये बड़ी वाली भुजा तो मालूम ही होगा कर्ण होता है, तो यहाँ जो है लंब और क्या है आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार किसका फॉर्मूले पे लागू होता है टेन थीटा पे, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी पी बटा बी, यानी पी यहाँ कितना है एक है और रूट थ्री यहाँ आधार है। तब आपको मालूम होगा कि टेन जो है किसका मान जो है एक बटा तीन होता है, एक बटा रूट थ्री होता है, किसका मान होता है, तो टेन तीस का जो है मान होता है एक बटा रूट थ्री, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही थीटा का मान निकालना था, तो ऑप्शन नंबर तीन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है,
तथा भूमि के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई जो है निर्धारित कीजिए। ये जो है अपना दीवार है, ये दीवार हमने बना दिया, ये दीवार है, और ये जो है यहाँ से सीढ़ी लगा हुआ है डायरेक्टली दीवार पे, और ये जो है इसका क्षैतिज रेखा हो गया। अब क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई तथा भूमि के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये जो भूमि से है कितना 60 डिग्री का क्या है कोण बना रहा है, और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से, दीवार ये है, यही है ना दीवार, और ये दीवार से कितना 4.5, यानी ये निचला सिरा जो है यानी इसकी लंबाई कितना दिया है 4.5 दूर है। तो सीढ़ी की लंबाई जो है ज्ञात करना है, यानी ये जो है, ये जो क्या हो गया, सीढ़ी की लंबाई हो गया, और इसी का जो है मान ज्ञात करना है। अगर ये 60 है और ये तो क्या है, ये 90 होगा, और ये क्या होगा, जब ये 60 है और ये 90 है तो ये 150 हो गया, और ये 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180, यानी 30 हो गया। तो आपके आपको जो है हमने क्या बताया था कि 30 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, ए होता है, और 60 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होता है, ए रूट थ्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, टू ए होता है। तो यहाँ जो ए होता है और ए का मान दिया है कितना 4.5, यानी ए बराबर कितना है 4.5, और ये यही भुजा निकालनी है तो ये कितना है 2a निकालना है, तो 2a कितना हो जाएगा 4.5 का दोगुना 9 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है, डोरी समतल, डोरी जो है भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, और यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो पतंग की जो है ऊंचाई निकालिए। तो ये भी जो है सेम क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। अब क्या करें, एक डोरी की पतंग से भूमि, यानी मान लीजिए कि ये पतंग है, यहाँ पे पतंग है, और इसकी भूमि से ऊंचाई हम मान लेते हैं कि ये हो गया, और ये पतंग का जो है डोर यहाँ से उड़ाया जा रहा है, और ये हो गया क्षैतिज रेखा। अब क्या कह रहा है कि डोरी जो है भूमि के तल के साथ कितना 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का जो है कोण बना रहा है, यह मानते हो कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी ये डोरी जो है सीधा है। अब क्या कह रहा है कि पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक, एक डोरी की जो है पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक की दूरी 90 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 90 मीटर है, यही जो है दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोरी की पतंग से जो है भूमि के किसी बिंदु तक की जो दूरी है कितना 90 मीटर है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी यही ऊंचाई है ना, यही ऊंचाई ज्ञात करनी है, और ये जो है यहाँ पे पतंग है। तो आपको मालूम, अगर ये 60 डिग्री है और ये तो है ही 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपको हमने पहले भी बता चुके हैं, और इसके पहले क्या बताए थे कि 30 डिग्री के सामने की भुजा होती है ए, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, ए रूट थ्री, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, तो ये होती है 2a। अब ये 2a का मान दिया है कितना 90, तो जब 2a बराबर 90 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा ए हो जाएगा 45, और हमें एच ये निकालना है, एच, एच का मान कितना है ए रूट थ्री, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 45 रूट थ्री जो है हमारा
राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो एक जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है कि एक पतंग की डोरी जो है 100 मीटर लंबी है, कितना है डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15 हो, तो भूतल से जो है पतंग की ऊंचाई निकालें। तो आइए इसका जो है पहले एक फिगर बनाते हैं। ये जो है पतंग का जो है भूतल से ऊंचाई मान लीजिए ये हो गया, और ये पतंग की जो है क्या हो गया डोरी की लंबाई हो गया, और ये जो है इसकी क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पे दिया है कितना, डोरी की लंबाई कितना है 100 मीटर है, ये हमने लिख दिया 100 मीटर। अब यहाँ पे दिया हुआ कि साइन थीटा का मान दिया है, यहाँ पे ये जो है थीटा है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यही होता है ना पी बाई एच। अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और इसका मान भी दिया हुआ है, पी बाई एच का मान कितना दिया है 8/15, यानी पी जो है ये 8 है और एच कितना है हाइपोटेनस, यानी ये जो है कर्ण हो गया, और ये दिया है कितना 15, ये टोटल जो है कितना ये 15 दिया है, यहाँ हम 15 लिख देते हैं। तो आपको पाइथागोरस पर में जो है ट्रिपलेट आपको मालूम हुआ कि 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है, कितना 8, 15 और कितना 17, ये जो है एक ट्रिपलेट होता है। तो ये आधार कितना हो जाएगा, जब ये 8 है ये 15 है और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है, पतंग की क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी 15:1 का मान दिया है, कितना 15:1 का मान दिया है 100, तो हमें 8:1 का मान निकालना है तब हमारा ऊंचाई मालूम हो जाएगा, यानी 15:1 बराबर कितना है 100 पहले से ही दिया हुआ है 100 मीटर लंबी है, तो 1:1 बराबर 100/15 कितना हो जाएगा 15, और यह ऊंचाई का रेशियो 8 है तो ये 8 से गुना कर देंगे। अब ये कट जाएगा, कटेगा 2500 और ये 3×5=15, यानी कितना हो गया 160/3 कितना हो गया 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको जो है आप भिन्न में तोड़ दें, तो यहाँ पे जो 160 में 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 53.1/3 आ जाएगा। यहाँ पे एक मिसप्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे 53.1/3 यहाँ पे ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन है कि 15 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ 60 डिग्री के एक उन्नयन का तथा खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री के उन्नयन का एक कोण बनाता है, तो बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या है। मान लीजिए एक टावर है, ये तो एक टावर हो गया और एक इधर बिजली का खंभा है, तो ये कह रहा है कि एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ, यानी ये जो है इसके साथ ये नीचे हो गया, इसके साथ जो है ये कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हो गया कितना 60 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है कि खंभे के नीचे के साथ तो 60 डिग्री हो गया और शीर्ष के साथ जो है 30 डिग्री, यानी ये जो है इसके साथ कितना 30 डिग्री, और ये इसका क्या हो गया क्षैतिज रेखा हो गया, इसके साथ कितना बना रहा है तो इसके साथ जो है 30 डिग्री बना रहा है। अब क्या कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचाई, यानी ये टोटल ऊंचाई दिया है कितना 15 मीटर, ये कितना दिया है टोटल 15 मीटर, तो क्या करना है बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी यही जो है बिजली के खंभा है ना इतना दूर, तो ये जब x मानते हैं तब इधर भी इतना दूर x हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो ये जो है 15 माइनस x हो जाएगा ऊपर वाला। तो आपको पता होगा अगर हम ये 60, ये जो है ठीक कोण 60 से चलते हैं, तब क्या हमने बताया था कि अगर ये 60 है तो ये तो 90 है ही, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 30 हो जाएगा। और 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा क्या होता है, ए होता है। तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, ए रूट थ्री होता है। और यही ए रूट थ्री जो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है, इसका टोटल मान दिया हुआ है कितना, 15 दिया है। तो जब ए रूट थ्री बराबर 15, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 15/√3 यही होगा ना। और इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी ऊपर में भी √3 से गुना कर देंगे और नीचे में भी √3 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15√3, और ये √3 में √3 से गुना करेंगे तो मल्ली 3 हो जाएगा, और ये 3 × 5 = 15 जो है कट जाएगा, यानी 5√3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मालूम हो गया ए का मान, यानी 5√3। तो ये जब 5√3 है तो ये ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 5√3 ही होगा। अब हम बात करेंगे इस कोण के बारे में, बात करेंगे यानी 30 डिग्री के सामने। तो इसके सामने की भुजा अगर ए हो तो इधर क्या हो जाएगा, ए रूट थ्री हो जाएगा। तो रूट थ्री तो पहले से दिया हुआ है ही, बाकी रह गया ए, तो ये कितना, ये 5 होगा। तो ये तो ऐसे ही मालूम हो गया कि ये 5 हो गया, तो ये हो गया 5। अब ये टोटल 15 है, टोटल क्या है, 15 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मालूम हो गया कितना, 5। तो 15 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा ऐसे ही जो है कितना आ गया, 10 जो है हमारा राइट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। जब वो तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री था। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, तो मान लीजिए ये पेड़ की ऊंचाई है और ये जो है नदी है, इतना दूर नदी है, यानी क्षैतिज रेखा क्या है, नदी है। पहले जब इसका देख रहा है तब उन्नयन कोण जो है क्या था, 60 डिग्री, कितना था, 60 डिग्री। अब उसके बाद क्या करे कि जब वो तट से 40 मीटर दूर जाता है, यानी ये जब 40 मीटर दूर हो गया, यानी इसकी दूरी कितना हो गया, 40 मीटर, ये हो गया 40 मीटर, तब क्या है उसका डिग्री कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री उन्नयन कोण हो जा रहा है, यानी ये हो गया 30 डिग्री। अब ये जो है कितना, 40 डिग्री। अब क्या करें, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, तो पहले हम बात करें यही पेड़ की ऊंचाई क्या है, यही तो है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई अगर 30 डिग्री से चलते हैं तब इसकी भुजा क्या हो जाएगी, एच बराबर हो जाएगी ए हो जाएगा। ये जब ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये पूरा ऊपर वाला कितना, 60 हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि 30 डिग्री के सामने जो है, पहले ही बता चुके हैं कि 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर ए होती है तो कितना, 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, ए रूट थ्री होता है। इसको पहले हम जो है एक्स मान लेते हैं, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एक्स प्लस 40 हो जाएगा, यही होगा ना। तो जब हमने 30 डिग्री के सामने भुजा ए होगी तब ये 60 है पूरा, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, रूट ए रूट थ्री। और ये जो है 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पूरा हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक्स प्लस 40 के बराबर हो जाएगा। तो जब एक्स प्लस 40 के बराबर हो गया तब a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा x प्लस 40 बट्टा कितना, रूट थ्री हो जाएगा। अब ये तो हमारा जो है किससे,
कौन 30 डिग्री से जो है हमारा ऊंचाई आया, ऊंचाई जो है पेड़ का ऊंचाई आ गया। अब कौन 60 से चलेंगे, तो जब ये कौन 60 है और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर एक्स है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, एक्स रूट थ्री हो जाएगा। तो इससे भी क्या आ गया, 60 डिग्री से भी क्या आ गया, ऊंचाई एक्स रूट थ्री आ गया। अब दोनों ऊंचाई को बराबर कर देंगे, एक तो ये 60 डिग्री से ऊंचाई आ गया एक्स रूट थ्री और दूसरा ऊंचाई 30 डिग्री से आया था कितना, एक्स प्लस चालीस, एक्स प्लस चालीस बट्टा रूट थ्री। अब इससे जब हमारा एक्स का मान निकल जाएगा तो ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये इधर आ जाएगा तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो 2x बराबर कितना हो गया, 40। तो x बराबर कितना हो गया, 20। तो जब x बराबर 20 हो गया यानी ये 20 हो गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पे हमने 20 लिख दिया तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 60 हो गया। टोटल क्या हो गया, 60 हो गया। पर हमें निकालना क्या था, पेड़ की ऊंचाई। तो जब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है तो ये 10 अगर यहाँ जब हम कोण 60 से चलते हैं तो ये अगर x, अगर ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा x है तो ये हो गया एक्स रूट थ्री, और एक्स रूट थ्री है और हमारा x का मान मालूम हो गया है तो 20 रूट थ्री जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 20 हो गया और रूट थ्री का मान आपको मालूम हुआ है कि 1.732 होता है, और इसको जो है आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34.64 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है कि एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है। अब कोई पहाड़ी है, मान लीजिए ये पहाड़ी है, पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई कितना है, 90 है। एक मीनार के शीर्ष और अब ये मीनार है, एक दूसरा ये क्या है, मीनार है। अब इस मीनार के शीर्ष और अधस्थल के जो है 29 कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी पहले जो है शीर्ष से बात करते हैं, यानी एक मीनार के शीर्ष से पहाड़ी के जो है और मीनार के शीर्ष का कोण ये कितना है, 30 है। और एक अधस्थल यानी इसके ये जो है भूमि से क्षैतिज से ये कितना है, 60 डिग्री है। अब इसका क्षैतिज रेखा ये हो गया और इसका क्षैतिज रेखा कितना हो गया, ये हो गया। अब एक 30 डिग्री है और एक कितना है, एक है 60 डिग्री, यानी ये वाली कितना है, 60 है। अधस्थल कितना है, 60 है, यानी ये जो हो गया 60 हो गया। और ये शीर्ष वाली कितना है, 30 है, तो ये हमने 30 लिख दिया। अब बात क्या कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, ये टोटल कितना है, 90 मीटर है। अब हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, यही मीनार की ऊंचाई। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है जैसा कि आपने जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन किए थे। तो इसको हम मान लेते हैं x। तो जब हमने इसको x माना है तो ये भी इसकी भी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, x ही हो जाएगा। अब हम चलेंगे कोण 60 से, तो अगर ये कोण 60 है तो ये तो 90 दिया हुआ है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि 30 डिग्री के सामने की भुजा a होती है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, a रूट थ्री होती है। तो a रूट थ्री का मान यहाँ पे दिया है कितना, 90 डिग्री। तो जब a रूट थ्री का मान 90 है तो इससे हमारा a मालूम हो जाएगा, 90 बटा कितना हो जाएगा, रूट थ्री। अब इसको जब आप परिमेयकरण कीजिएगा तो ये परिमेयकरण करने के बाद कितना हो जाएगा, नीचे ये कट जाएगा 3, 30 ती कट जाएगा, यानी 30 रूट 3 आ जाएगा परिमेयकरण करने के बाद।
यानी ऊपर में भी रूट थ्री से गुना और नीचे में भी रूट थ्री से। तो ये हमको मालूम हो गया कितना आ गया, 30√3 हमारा आ गया। तो जब ये 30√3 है तो ये भी 30√3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्षैतिज रेखा जो है समान होगा। अब जो है यहाँ पे हमको मालूम हो गया, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर हम अगर हम ये 30 डिग्री कोण से स्टार्ट करते हैं, तो हमने क्या बताया था कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, ए होती है। और यह जब 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 और ये पूरा कितना 60। तो जब 30 के सामने की भुजा ए है तो 60 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगर हम कोण यहाँ 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, यानी ये ऊपर वाली जो है जो आरेख बन रहा है उससे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे √3 तो पहले से दिया हुआ है ही, कितना √3, तो ए का मान कितना है 30 है, तो ये 30 हो जाएगा। अब निकालना क्या था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो ये ऊपर में 30 है और टोटल 90 है और एक्स का मान निकालना था, यही तो था मीनार की ऊंचाई। तो 90 - 30 यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है कि एक मीनार की छाया जब सूर्य का एल्टीट्यूड जो है 45 डिग्री है तो छाया से 10 मीटर लंबी पाई जाती है, तो 60 डिग्री एल्टीट्यूड बनती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। अब एक मीनार की जो है ऊंचाई, यानी मीनार की ये जो है ऊंचाई हो गया, जब सूर्य का एल्टीट्यूड कितना है 45 है, यानी ये हो गया 45, ये कितना हो गया 45, तब 45 से, तो उस छाया से 10 मीटर लंबी पाई जाती है जो 60 डिग्री एल्टीट्यूड पर बनती है। अगर ये 60 डिग्री पर बनती है, अगर ये 60 डिग्री है, तो जब ये 60 डिग्री पे बनती है तब क्या बोलता है कि 10 मीटर लंबी, यानी इसकी जो लंबाई हो गई यहाँ कितना हो गया 10 मीटर। अब निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यही मीनार की ऊंचाई हो गया और यही हमें ज्ञात करना है। तो अगर ये 10 है तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा एक्स प्लस कितना 10 हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कोण 45 से, अगर तो हमने बताया था कि 45 डिग्री के सामने की भुजा ए होती है, तो अगर ये 45 है तो ये तो 90 है ही, तो ऊपर वाला भी टोटल 45 होगा। अगर हम स्टार्ट करते हैं ये 45 डिग्री से तो ऊपर वाला भी 45 होगा, तो इसके सामने भुजा ए है तो नीचे वाली भुजा भी ए होगा, यानी जो एच होगा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस 10 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री है। और हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसे बता चुके हैं कि अगर ये 45 डिग्री है, अगर इसके सामने की भुजा ए है, तो जब ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा, और ये पहले से कितना 90 दिया हुआ ही रहता है, और ये 45 था तो इसके सामने की भुजा भी ए ही होगा, तो ये जो एच होगा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। अब बात करेंगे कोण 60 से स्टार्ट करेंगे, यानी ये जो है कोण 60, जब ये कोण 60 है और ये कितना है 90 है, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये तो एच का मान हमारा निकला है किससे, कोण 45 से। अब बात करेंगे कोण 60 से, तो ये 30 है और 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर एक्स है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और ये जो है हमारा ये भी एच हो गया और ये एच निकला है हमें कोण 60 से। अब यहाँ पे जो है दोनों तरह से एच का मान मालूम हो गया, एक हमने 45 डिग्री से निकाला है एच बराबर, और एक हमने कितना 60 डिग्री से, अब दोनों को बराबर कर देंगे तो इससे हमारा एक्स का मान मालूम हो गया हो जाएगा।
अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर x रूट 3। अभी x x जो है दोनों एक टर्म एक जगह कर लेंगे तब ये कितना हो जाएगा 10, और ये जो है x कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 3, और ये x इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। यानी x बराबर अगर बात किया जाए तो 10 बट्टा रूट 3 -1, और परिमेयकरण कर देंगे तो क्या आ जाएगा। इसको परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, रूट 3 प्लस 1 से ऊपर गुना कर देंगे और नीचे भी रूट 3 प्लस 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इससे हमारा x का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये तो है ही रूट 3 प्लस 1, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस ए के बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो ये 2 कट जाएगा ना, ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 5 इंटू रूट 3 प्लस 1। अब ये हमारा किसका मान आया, x का मान आया। तो अगर हम कोण 60 से चलते हैं, अगर ये 30 है, इसके सामने की भुजा x है, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x रूट 3 होगी, यही तो होगी। अब x का मान हमें मालूम है कितना है, x का मान 5 रूट 3 प्लस 1, यही है ना x का मान। अब रूट 3 से गुना कर देंगे, ये रूट 3 है, तो यही हमारा जो है कितना, इंच यानी ऊंचाई मालूम हो जाएगा। अब ये गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना करते हैं तो ये 5√3 हो जाएगा, और 3 कटेगा तो ये टोटल हो जाएगा 15, और प्लस कितना 5√3 हो जाएगा, और इसी को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और प्लस रूट 3, यही होगा ना, यही हो जाएगा, क्योंकि 15 है तो ये 35 है, 15 और 5√3, यानी कौन सा ऑप्शन इसे मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि 100 किमी रस्सी को जो है किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी पर बिंदु के बीच बांधा जाता है। यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री का जो है कोण बनाती है तो टावर की ऊंचाई क्या होगा। अब ये मान लेते हैं ये टावर की ऊंचाई हो गया। अभी 100 जो है रस्सी की किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी के बिंदु, यानी पृथ्वी का ये बिंदु है, इससे बांधा हुआ है। अब ये क्षैतिज रेखा हो गया, और इसी का जो है लंबाई दिया है कितना, 100, और ये जो है समतल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 60 है और ये तो 90 है ही, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो हमने बताया था कि 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर ए होती है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, रूट ए रूट 3, और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है 2a, और यही 2a का मान दिया हुआ है पहले से ही, 2a बराबर कितना है, 100 है। तो जब 2a बराबर 100 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 50। निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यही है ना, यहाँ से यहाँ तक, यानी a रूट 3, और a का मान है कितना, 50 गुने रूट 3। अब रूट 3 का मान आपको मालूम होगा कि 50 गुने कितना होता है, 1.732। तो आप जो है इसको गुना करेंगे तो कितना जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो 86.60 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो जो है वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें।